नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आज़ाद सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वाईफाई अड्डा पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस MTS के एडमिट कार्ड 23 नवंबर 2018 को ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों अभी इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है। ऑफिशियल साइट पर भी ये अपडेट कर दिया गया है। अब दोस्तों डाउट ये है कि किन किन की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन की गई है, किन की सेम है, और जो आपकी जिनकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है उनका एडमिट कार्ड क्या वही रहेगा या फिर आपको दोबारा से डाउनलोड करने का ऑफिशियल ऑप्शन मिलेगा ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। रीशेड्यूल ऑफ डेट ऑफ राइट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2017। यहाँ से हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 4/12/2018 से लेकर 15/12/2018 तक जिनका भी एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर रहे थे तो आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो 4/12 से लेकर 15/12 तक दिखा रहा था जिनका भी, उनकी एग्ज़ाम डेट चेंज कर दी गई है। उनकी जो नई एग्ज़ाम डेट है वो है 26/12/2018 से लेकर 9/1/2019 तक। जिनका एग्ज़ाम 4 दिसंबर को था उनका अब 26 दिसंबर को होगा, जिनका 5 दिसंबर का था उनका अब 27 दिसंबर को होने वाला है। यहाँ से ये नोटिस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं आपकी जो अगला जो शेड्यूल है वो क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका सेम है उनका मैं बता दूँ, जिनका एग्ज़ाम 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक था उनका वही रहेगा जो कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर शो हुआ है। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दिखा रहा है तो वो आपको 17 से 24 के बीच में ही होगा, जो आपकी डेट है उसी डेट को होगा, कोई चेंजमेंट इसके अंदर नहीं हुई है। और जो जिनकी चेंज हुई है उनकी सिर्फ़ और सिर्फ डेट ही चेंज की गई है, आपकी जो सेंटर है वो वही सेंटर रहेगा, आपका जो टाइम है वो टाइम भी सेम ही रहेगा, सिर्फ़ आपकी डेट चेंज की गई है, 4/12 की जगह 26/12 को आपका एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से आपकी 4 से लेकर 15 तक सभी डेट पोस्टपोन करके आपके 26 से लेकर 9 तक 9 जनवरी तक कर दी गई है। अब डाउट ये है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो अभी जो डाउनलोड हो रहे हैं वही एडमिट कार्ड चलेंगे या फिर आपको नई एडमिट कार्ड करने का ऑप्शन ऑफिशियल साइट पर मिलेगा। तो दोस्तों अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, अगर आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको 16 तारीख के बाद मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर बताया गया है कि आपकी एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके 16 तारीख के बाद नए एडमिट कार्ड मिलेंगे अगर डालेंगे तो। अगर नए एडमिट कार्ड आपको नहीं मिले तो आपके जो अभी एडमिट कार्ड जो हैं जिनके अंदर 4 तारीख दिखा रखी है एग्ज़ाम डेट वो 26 तारीख को चलेंगे, जिनके अंदर 5 दिखा रखी है वो 27 तारीख को चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम वही रहेगा उसके अंदर और एग्ज़ाम सेंटर भी वही रहेगा, सिर्फ इसके अंदर डेट चेंज की गई है। तो दोस्तों ये दोनों डाउट जो हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का, इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास मैसेज वगैरह नहीं आया है तो आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल वाईफाई अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। जय हिंद, जय भारत।